हे सो व्हाट्सअप गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को Redmi Note 9 Pro के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो वीडियो है एज अ कॉन्सेप्ट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या कुछ मिल सकता है Redmi Note 9 Pro में और कितने प्राइस में लॉन्च हो सकता है और कब तक लॉन्च हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस फोन के डिज़ाइन से, तो यहाँ पर आप लोगों को डिज़ाइन के मामले में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वही आप लोगों को ग्लास बैक देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों ग्लॉसी ग्रेडिएंट बैक पैनल के साथ आएगा। साथ ही आप लोगों को बैक साइड में क्वाड कैमरास का सेटअप ही देखने को मिलने वाला है। और वहीं पर बात कर ली जाए इस फोन के फ्रंट पैनल के बारे में, तो इस फोन में आप लोगों को 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ आएगा। और वहीं पर बात कर ली जाए इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में आप लोगों को स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि दोस्तों 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है। साथ ही आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 और MIUI 11 भी देखने को मिलेगा। तो वहीं पर अगर बात कर ली जाए इस फोन के रैम वेरिएंट के बारे में, तो फोन आ सकता है दो रैम वेरिएंट के साथ, 6128GB और 8256GB। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के रियर कैमरास के बारे में, तो इस फोन में आप लोगों को मिलने वाले हैं क्वाड रियर कैमरास जिसमें से मेन सेंसर 64MP का ही होगा, जिसमें आप लोगों को सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का माइक्रो लेंस और 2MP का आप लोगों को एक टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा। और वहीं पर बात कर ली जाए इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इस फोन में आप लोगों को 25MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में, जिस फोन में आप लोगों को 4500mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है जो कि दोस्तों फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। साथ ही आप लोगों को 3.5mm ऑडियो हेडफोन जैक भी देखने को मिलने वाला है। और वहीं पर बात कर ली जाए इस फोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस आप लोगों को अराउंड 15,000 से 20,000 के बीच में ही देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों आप लोगों को 15,000 से 20,000 की प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है 64MP क्वाड रियर कैमरास, 25MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा, साथ ही 4500mAh की बड़ी बैटरी। तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि अपने प्राइसिंग हिसाब से फ़ोन कैसा होने वाला है और आपके हिसाब से इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, तो नीचे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और वहीं पर बात कर लेते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये जनवरी महीने में ही इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है, यानी कि जनवरी 2020 में इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपके हिसाब से फ़ोन कब तक लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिल सकेगी। और हाँ, नीचे कॉमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा प्रोसेसर इस फोन में हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।